न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तुम सर भंडारा एल साकोली आदि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 67 उम्मीदवारों के नाम वैध रहे हैं। इनमें अधिकतर नामांकन बोगियों के हैं। ऐसे में बोगियों को मनाने का प्रयास जोरों पर है। इसके लिए साम दाम दंडा भेद की नीति अपनाई जा रही है। आवेदन वापसी की तिथि 7 अक्टूबर है, जिससे शाम तक साफ हो जाएगा कि आघाड़ी एवं महायुति के उम्मीदवारों के बीच सीधी भिड़ंत होगी या फिर उन्हें अपनों से ही लड़ने में पसीना बहाना पड़ेगा। भंडारा में अवसरे तुभाने डोंगरे चौबे पर है नजर। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में छठी में 25 उम्मीदवारों के नाम वैध रहे। इनमें भाजपा के अरविंद भालाधरे, कांग्रेस के जयदीप कवाड़े, बसपा के दिलीप मोटघरे, मनसे के जाठौकर, भाकपा हिवराज उके, हिंदुस्तान जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत बोरकर, वंचित अघाड़ी विसर्जन चौसरे, बहुमुक्ति पार्टी के सुभाष भिवगड़े, निर्दलीय अनुसुईया बावने एंड नितिन बोरकर, प्रशांत रामटेके, नितिन बागड़े, सुरेश भवसागर, विकास राउत, रंजीत चौहान, चेतक डोंगरे, चंद्रशेखर सुखदेवे, नरेंद्र भोंडेकर, मुकेश लोखंडे, सदानंद कोचे, सुधीर रामटेके का समावेश है। कई पार्टियों के प्रत्याशी होने से बहु त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है कि किंतु भाजपा प्रत्याशी अरविंद भालधरे के लिए पूर्व विधायक एड रामचंद्र अवसरे, शिवसेना जिला प्रमुख नरेंद्र भोंडेकर, गोवर्धन चौबे की बगावत को शांत करना आसान नहीं लग रहा है। वहीं कांग्रेस के जसदीप कवाड़े के लिए नितिन तुभाने, चेतक डोंगरे, नितिन बागड़े की बगावत रोड़ा साबित हो सकती है। साकोली में बहु त्रिकोणीय मुकाबला। साकोली विधानसभा क्षेत्र के 26 उम्मीदवारों के नामांकन वैध ठहराए गए हैं। इनमें से कांग्रेस के नाना पटोले, भाजपा के परिणय फुके, बसपा के डॉक्टर प्रकाश मालगावे, बलिराजा पार्टी के उर्मिला आगासे, गोपा के गणेश खंडाते, जय मां भारत पार्टी पंकज खेड़ीकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के सेवक वाघाए, परीक्षा के संदीप रामटेके व निर्दलियों में अन्ना फटे एवं अन्य कई उम्मीदवार साबित थे। मिली जानकारी के मुताबिक आघाड़ी की टिकट पर चुनौती बनी रहेंगी विजय खोबरागड़े, राजू निर्वाण, संजय केवट को मनाने के लिए प्रयास आघाड़ी द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि नाना पटोले को अपनों की परेशानी कम की जा सके। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें भी देख सकते हैं। सेम ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।